Helicopter, helicopter. और का और आपको ये समझना पड़ेगा कि जो साइंटिस्ट हैं वो स्पेस में जाते क्यों क्या वो सिर्फ एक झूला लेने जाते हैं जबकि ऐसा नहीं है वो बेसिकली स्पेस में इसलिए जाते हैं कि उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने होते हैं इन टू दी जीरो जी तो उनमें से एक एप्लीकेशन हमें मेडिकल साइंसिस में मिलती है कि क्रिस्टल्स uh, जो हैं वो डिफरेंटली फॉर्म करते हैं अंडर डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्सेस तो उसमें फॉर एग्जांपल uh, अगर जीरो जी में uh, कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जो कि डिफरेंटली फॉर्म करते हैं तो फार्मास्यूटिकल में इसकी एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है अब एक कह लो कि एक साइंस फिक्शनल या एक हाइपोथेटिकल स्नैरियो uh, एक हाइपोथेसिस है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमंस जो हैं वो स्पेस में कॉलोनाइज करते हैं तो एक स्पेसशिप की सूरत में तो हमारी जो बॉडीज़ हैं वो इस तरह से कह लो कि इवॉल्व हुई हैं कि हम ज़ीरो ग्रेविटी में ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकते हमारा बोन स्ट्रक्चर जो है वो वीक हो जाता है आ, हमारा जो बोन मैस है वो लूज़ आउट होता है तो जो ह्यूमंस हैं वो जीरो जी के लिए तैयार नहीं है फ़िज़िकली तो एक हाइपोथेटिकली एक कॉन्सैप्ट दिया गया कि स्पेस में रहते हुए किस तरह से एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी बनाई जा सकती है अब उसका कॉन्सेप्ट क्या है उसके कॉन्सेप्ट का ताल्लुक जो है सर्कुलर मोशन से बहुत गहरा है अब कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारी जो शिप हो वो सर्कुलर हो और वो रोटेट कर रही हो अबाउट सम एक्सिस तो उस केस में फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये बंदा है ठीक है हम ए, उस स्पेसशिप में है जो कि रोटेट कर रही है और हम ये ये मौजूद है तो अगर तो स्पेसशिप रोटेट कर रही है तो हम भी इसके साथ रोटेट कर रहे हैं और जैसा कि आपको पता है कि रोटेशन के साथ हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो लिंक्ड होती है अगर भी अगर हमें कहीं पर भी सर्कुलर मोशन मिलेगा तो उसके साथ हमें सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं ना कहीं मिलेगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली वो फोर्स होती है जो कि ऑब्जेक्ट लगा रहा होता है और उसके रिएक्शन में जो फोर्स होती है उसे कहते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो फॉर एग्जांपल अगर ये बंदा खड़ा और ये हमारी जो शिप है वो रोटेट कर रही है तो ग्राउंड जो है वो इस पर एक फोर्स लगा रहा होगा जो कि नॉर्मल टू दी सरफेस होगी और यही हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल आर्टिफिशियल ग्रेविटी जिसको कहा जा रहा है या आर्टिफिशियल ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जा रहा है वो बेसिकली दर हकीकत कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है वो असल में सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि बज़ाहिर यहाँ पे हमें एज आ ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है तो ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है हम इसको चल के देखते हैं कि किस तरह से किन वेरिएबल्स पर डिपेंड करती है और हम इसको किस तरह से वेरी कर सकते हैं तो अब हमारे इस केस में फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी ये शिप रोटेट कर रही है तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसे हम कहते हैं तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है आर टाइम्स ओमेगा स्क्यर या फिर हमारे पास वी स्क्वेर डिवाइड बाय आर भी होती है ठीक है तो आर टाइम्स ओमेगा स्क्वेयर हमारे पास क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अब ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा को हम टू पाई एफ लिख सकते हैं ठीक है ओमेगा बेसिकली उसकी रोटेटिंग एंगुलर वेलोसिटी है ठीक है तो एंगुलर वेलोसिटी अगर तो हमें uh, इसकी एंगुलर वेलोसिटी इन सेकंड्स दी गई हो गए ये इतने रेवोल्यूशन पर सेकंड कर रहा है तो वो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी और अगर हम उसको टू पाए के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो है एंगुलर फ्रिक्वेंसी इन रेडियंस पर सेकेंड आ जाती है कि अगर हम उसे फ्रिक्वेंसी से रेडियंस पर सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम एंगुलर फ्रिक्वेंसी को लिख सकते हैं टू पाए एफ तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी आर बेसिकली हमने इस स्मॉल आर को कैपिटल आर लिख दिया और ये आर बेसिकली इस शिप का रेडियस है हमारे पास ठीक है टाइम्स टू पाए एफ इस पूरे का स्क्वायर अब उसके बाद अगर तो हम स्क्वायर एक्सपेंड कर दें इस स्क्वेयर को अंदर ले जाएं तो f के साथ भी स्क्वेयर आ जाएगा पाए के साथ भी स्क्वेयर आ जाएगा और टू जो है वो फोर हो जाएगा और r वैसे का वैसे ही रहेगा अब हम बेसिकली इसका रिलेशन डेवलप करना चाह रहे हैं विद दी फ्रीक्वेंसी ऑफ दी रोटेशन के साथ तो हम क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी एफ स्क्वेयेर को एक ही साइड पर रखेंगे बाकी सब को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो फोर भी यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा आर भी यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा और पाई स्क्वेयेर भी यहाँ पे आके ए सी के साथ डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी अब इसके बाद अगर हम फ्रीक्वेंसी के लिए इस इक्वेशन को सीधा करें तो हमें बेसिकली स्क्वेयर रूट लेना पड़ेगा स्क्वेयर खत्म करने के लिए तो जब हम स्क्र रूट लेंगे तो फोर का स्क्वेयर रूट टू आएगा पाई स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट पाया आएगा तो टू पाए वन बाय टू यानी कि वो वैसे के वैसे ही आ जाएगा और स्क्वेयर रूट में हमारे पास ए सी डिवाइड बाय आर आ जाएगा तो हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी के साथ रिलेशनशिप बन रहा है आ, एंगुलर एक्सेलरेशन का और रेडियस का वो हमारे पास ये बन रहा है तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ए सी की वैल्यू इक्वल टू जी चाहिए हो तो अगर हम इसकी वैल्यू जी के इक्वल पुट कर देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी जो फ्रीक्वेंसी की रिलेशनशिप बनेगा विद दी रेडियस वो हमारे पास क्या बनेगा वन ओवर टू पाए स्क्वेयर रूट ऑफ जी डिवाइड बाय आर अच्छा अब आपको एक और मज़े की एप्लीकेशन आर्टिफिशियल ग्रेविटी की ये तो एक हाइपोथेटिकल स्टैरियो है ऐसी कोई शिप एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि इतना ज़्यादा इतनी बड़ी शिप को बनाना फिलहाल पॉसिबल नहीं है कि इतना ज़्यादा मटेरियल इनटू द स्पेस लेके जाया जाए लेकिन इसकी हमें एक फिज़िकल एक एक्चुअल एप्लीकेशन भी स्पेस में मिलती है वो क्या है कि क्रिस्टल्स को फॉर एग्जांपल वो स्पेस में लेके गए हैं वो कुछ देर के लिए उस क्रिस्टल को इनटू द ज़ीरो जी फॉर्म करना चाह रहे हैं उसके बाद वो हाफ जी के इक्वल देखना चाह रहे हैं कि हाफ जी में क्रिस्टल किस तरह से फॉर्म करता है तो उनके पास एक ओमन नुमा एक छोटी सी एक डिवाइस होती है जो कि रोटेट कर रही होती है तो उसमें एग्जैक्ट यही प्रिंसिपल होता है लेकिन बंदे की जगह पे वहाँ पे हमारे पास क्रिस्टल्स होते हैं तो एक छोटी फॉर्म में ये डिवाइस बनाई जा सकती है लेकिन एक बड़ी शिप का कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है लेकिन वो एक्चुअली फिलहाल बनाना फिजिबल नहीं है उसके अलावा अगर आपने एक मूवी देखी हो जिसका नाम था इंटरस्टेलर तो एंटरटेनर बहुत अच्छी मूवी अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा तो उसमें जो उसका एंड सीन होता है उसमें अगर आपने देखा होगा कि वो अपने हॉस्पिटल से बाहर देखता है तो उसे ऊपर आसमान की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पर भी कॉलोनी नज़र आती है यानी कि इस तरह राउंड शेप में उनकी जो भी कॉलोनी या जो भी उन्होंने एक प्लानट बनाया था वो होता है तो वो असल में एक शिप होती है और वो बेसिकली यही शिप थी और वहाँ पे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बाहर लग रहा है कि हर कोई कोई फ्लोट नहीं कर रहा है तो वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स के तौर पे फोर्स मौजूद है वो असल में सेंट्रिपिटल फोर्स होती है Well, the station isn't named after you, sir. It's uh, it's named after your daughter, although she's always maintained. <laughs>